बच्चों सबसे पहले हम लोग नॉर्मल और अबनॉर्मल के बीच क्या डिफरेंस है सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, बट इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉसेस में क्या डिफरेंस है। देखिए बच्चों, नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि कहता है कि इट इज अनअवॉइडेबल लॉसेस। आप नॉर्मल लॉस को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये अनअवॉइडेबल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्यों सर? क्वेश्चन क्रिएट हुआ, क्यों? व्हाई? बिकॉज बच्चों ये इनहेरेंट है, ये पार्ट है, आप ये बिजनेस का पार्ट है, आप इसको हटा नहीं सकते हैं। ये प्रोडक्शन का पार्ट है, इसको हटाया नहीं जा सकता है, ये इनहेरेंट क्वालिटी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस पे, तो इट इज अनअवॉइडेबल लॉसेस, ठीक है, सॉरी, इट इज अवॉइडेबल लॉसेस। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर कंपनी प्रॉपर केयर शो करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर केयर शो करेगी, अगर मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस बेहतर होगा, एम्प्लॉयज सुपरविजन स्ट्रांग होगा बच्चों, तो बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है एबनॉर्मल लॉसेस को। लेकिन नॉर्मल को आप मिनिमाइज कर ही नहीं सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये पार्ट है। जिस तरीके से इंसान का मरना तय है, ये एक पार्ट है, इसको नहीं हटाया जा सकता बच्चों, ये कड़वा सच है। उसी तरीके से नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन का एक इनहेरेंट क्वालिटी होता है बच्चों, उसको आप नहीं हटा सकते हैं, वो पार्ट है। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है बच्चों कि जो नॉर्मल लॉसेस होता है वो पार्ट है, इनहेरेंट है। देखिए बच्चों, दूसरा फीचर कहता है कि इट इज कॉज ड्यू टू इनहेरेंट फीचर ऑफ अ गुड्स। जैसे बच्चों एवापोरेशन हो जाना, नॉर्मल लीकेज हो जाना, किसी प्रोडक्ट का स्पॉइलेज हो जाना, तो ये एक पार्ट है बच्चों, इसको हटाया नहीं जा सकता है। उसके बाद कहता है बच्चों एबनॉर्मल के बारे में कि इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय फायर, थेफ्ट, एबनॉर्मल स्पॉइलेज के कारण ये सब हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय फायर, जैसे वजह बच्चों फायर हो, थेफ्ट हो, एबनॉर्मल स्पॉइलेज हो, पिलफरेजेस हो, ये सब वजह हो जाता है। उसके बाद कहता है बच्चों नॉर्मल लॉस के बारे में, इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। बच्चों ये कॉस्ट का ही पार्ट है। आपको याद होगा बच्चों, जब मैंने आपको न्यूमेरिकल बनवाया था, तो उस न्यूमेरिकल में सिर्फ मैंने यूनिट घटाया था। जितना यूनिट नॉर्मल लॉसेस को हमने खोया है, सिर्फ हम लोग उसी को हटा रहे थे। हम लोगों ने कहीं से भी बच्चों कॉस्ट को नहीं किया, कॉस्ट एज यूजुअल रह जाता है। लेकिन जो एबनॉर्मल होता है बच्चों, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर 100 यूनिट का लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो आप इस 100 यूनिट का पहले कॉस्ट निकालते हो, और आप यूनिट तो लेस करते ही हो, साथ में इस 100 यूनिट का, इस 100 यूनिट का जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन में, हम वो भी डिक्रीज करते हैं। तो इस बात को थोड़ा बारीकी से समझिएगा बच्चों, नॉर्मल लॉस में हम लोग सिर्फ लेस करते हैं बच्चों यूनिट को। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, हम लोगों ने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया था और 100 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गया, तो हम लोगों ने इसको लेस कर लिया, जबकि कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ यूनिट चेंज होता है। लेकिन एबनॉर्मल के केस में हम लोग यूनिट से भी घटाते हैं और उतने का कॉस्ट भी घटाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है बच्चों। अच्छा, फिर फर्दर कहता है बच्चों कि इट्स वैल्यू इज नॉट कैलकुलेटेड सेपरेटली। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि नॉर्मल लॉस की वैल्यू कभी भी सेपरेटली कैलकुलेट नहीं होती है बच्चों, बिल्कुल नहीं होती है, वो उसी पर चार्ज कर दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की, तो इट्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड इन सेम मैनर एज वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसकी जो वैल्यू उसी तरीके से कैलकुलेट होगी, इन द सेम मैनर एज वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। जिस तरीके से अनसोल्ड स्टॉक है, उसी तरीके से अगर बच्चों हमारा 20 यूनिट्स का लॉस हुआ है, तो हम 20 यूनिट माइनस करेंगे और साथ में इस 20 यूनिट का जो कॉस्ट है वो भी लेस करते हैं। तो ये चीज डिफरेंस है। अच्छा सर, इसका सेंस क्या बन रहा है? देखो बच्चों, इसका सेंस साफ साफ है, इट्स वैल्यू इज एडजस्टेड बाय इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट पर यूनिट एज अंडर इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है बच्चों कि जितना भी हम लोग प्रोडक्शन कर चुके होते हैं, और जो नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस के
कॉस्ट का एडजस्टमेंट बच्चों बाकी यूनिट पर होता है जो हमने प्रोड्यूस कर रखा है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ है, तो इस 100 यूनिट का कॉस्ट बच्चों ये 900 यूनिट पर ही एडजस्ट हो गया है। इससे क्या होगा कि ये 900 यूनिट का कॉस्ट इन्फ्लेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये इनहेरेंट है। आप सोच कर देखो ना बच्चों, ये बिजनेस का पार्ट है, तो प्रोड्यूसर कहाँ से लाएगा बच्चों? क्या वो घर से लाकर बियर करेगा? बिल्कुल नहीं। तो उसने जितना प्रोड्यूस किया है वो उसी पर ना एडजस्ट करेगा? लॉजिकल बात है ना, लॉजिकल बात है। आगे देखिए क्या बोलता है। इट्स वैल्यू इज क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। इसके वैल्यू को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कंसाइनमेंट में क्रेडिट कर देते हैं। क्यों बच्चों? अगर आपको जर्नल एंट्री याद होगा जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये हमारे लिए एक तरह का लॉस है बच्चों, तो इस लॉस को आपको कंसाइनमेंट अकाउंट पे एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए, नॉर्मल लॉस का बच्चों हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करते, नॉर्मल लॉस के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, ठीक है? इस बात को ध्यान से समझिएगा, कोई भी जर्नल एंट्री हम नहीं करते। जबकि बच्चों अब नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है, जितना भी कॉस्ट इरिकवरेबल होता है बच्चों, इरिकवर्ड होता है, जो कॉस्ट हम रिकवर नहीं कर पाते हैं, उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जितना लॉस इंश्योरेंस कंपनी से हम रिकवर कर लेते हैं उसको डेबिट कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी, और बाकी पूरा लॉस कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और बच्चों ये कंसाइनमेंट वापस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बता देगा इस कंसाइनमेंट का। तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि सर कंसाइनमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट है? याद करो बच्चे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के ही समय बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, हम कंसाइनमेंट बनाते क्यों है बच्चों? देखिए बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर बनाता है, और वो भी इसलिए बनाता है ताकि कंसाइनर जानना चाहता है बच्चों कि उसने जो कंसाइनमेंट किया, उसने जो एजेंट से डील किया, उसने जो कंसाइनी से डील किया, उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो इस प्रॉफिट के लिए, समझने के लिए बच्चों कंसाइनर क्या बना रहा है? तो कंसाइनर बच्चों प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना रहा है। इसलिए वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है बच्चों, ताकि वो जान सके कि उसको क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। याद है बच्चों, ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बोला था और अभी फिर बीच में रिपीट कर रहा हूं। बच्चों कंसाइनमेंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ये जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है बच्चों, इसको हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह ही बनाते हैं। देखिए बच्चों, कंसाइनमेंट में बच्चों जितने भी खर्च होंगे, जैसे जैसे बच्चों गुड्स जो कंसाइनर ने कंसाइन किया कंसाइनी को, ये भी डेबिट हो जाएगा बच्चों। जो एक्सपेंसेस कंसाइनर बियर करता है, जो एक्सपेंस कंसाइनी बियर करता है, जो कंसाइनी का कमीशन है बच्चों, ये सब एक्सपेंस है ना, इसलिए ये इन सभी को डेबिट कर दिया जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन बच्चों जब प्रोडक्ट सेल किया जाता है, या अब नॉर्मल लॉस होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, या कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी, हम इन सब को क्रेडिट कर देते हैं वैसे ही बच्चों जैसे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में किया करते थे। अगर आपको थोड़ा सा भी बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट याद है तो आपको ये चीजें याद आ रही होंगी। ऐसे हम आगे आपको कंपैरिजन कर दिखाएंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से कंपेयर करके एक एक चीज बताएंगे, ठीक है? तो आप पैनिक मत हो या पेशेंस रखिए। तो यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? आइए देखिए, अब हम लोग सीखते हैं कि सर एक बात बताइए, कंसाइनर अपने बुक में किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है, ठीक है? तो इस बात को समझते हैं। बोलिए, स्टार्ट किया जाए बच्चों? एनी इशू? यहां तक कोई दिक्कत है आपको? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
इन द बुक ऑफ कंसाइनर। अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो कंसाइनर के अकाउंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर। किसके बुक में, तो कंसाइनर के। अच्छा बच्चों याद करो, आप याद करो वो दिन मैंने आपको सिखाया था कि सब पहले बच्चों कंसाइनर कंसाइनी को क्या करता है, गुड सेंड करता है। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप तो यही हो गया ना, कंसाइनर क्या कर रहा है, कंसाइनी को गुड सेंड कर रहा है। तो ऑन सेंडिंग, ऑन सेंडिंग द गुड्स, ऑन सेंडिंग द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, चलिए तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बच्चों, इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट consignment account debit to goods sent to consignment, to goods sent on consignment, चलिए तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंसाइनमेंट किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू कंसाइनमेंट। अच्छा नरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, बीइंग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, चलिए तो बच्चों पहला स्टेप तो हो गया कि ऑन सेंडिंग द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, मतलब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा। बच्चों देखिए आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही टॉपिक में पढ़ाया था, ये देखिए बच्चों ये कंसाइनर हो गया, कंसाइनर ने क्या किया बच्चों, तो कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया किसको, कंसाइनी को। तो इसने सबसे पहला एंट्री किया, ये हो गया कंसाइनर, ये हो गया कंसाइनी। बच्चों जब आप गुड्स भेजते हो तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस तो लगेगा बच्चों, विदाउट एक्सपेंस तो गुड्स नहीं जा सकता ना, उड़कर तो जाएगा नहीं बच्चों, पंछी तो है नहीं, एक्सपेंस तो लगेगा, बोलिए बच्चों हाँ या ना, एक्सपेंस लगेगा ना। तो सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि सबसे पहले तो हमने गुड सेंड कर दिया कंसाइनमेंट पर, ठीक है भाई ये चीज तो हो गया हमारा। अब दूसरा मैटर ये करता है कि सर कंसाइनर को कहीं ना कहीं एक्सपेंस तो लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा, ऑन इनकरेंस of expense incurrence of expense consignor to expense कौन कर रहा है भाई साहब, तो consignor का expense लग रहा है, तो consignor का expense लग रहा है, तो consignor entry करेगा ना बच्चों, consignment account debit कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट होता है बच्चों वैसे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चों, बीइंग एक्सपेंस इनकर्ड, है ना बच्चों, बीइंग एक्सपेंस इनकर्ड
बीइंग एक्सपेंस इनकर्ड। अच्छा ये किसका एक्सपेंस लगा है बच्चों, तो कंसाइनर का। अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों, बहुत बार कंसाइनी भी तो कुछ एडवांस मनी देता है ना। अच्छा क्यों कंसाइनर क्यों लेता है बच्चों, क्योंकि कंसाइनर एज अ सिक्योरिटी कुछ पैसे तो रखता है। किससे रखता है? कंसाइनी से। तो देखिए हम लोग को ये एंट्री भी तो करना पड़ेगा, ऑन रिसीविंग सिक्योरिटी फ्रॉम कंसाइनी। अच्छा कंसाइनर कंसाइनी से सिक्योरिटी का अमाउंट क्यों ले रहा है बच्चे? इसलिए ले रहा है ना बच्चों, ताकि वो सिक्योर रहे कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो सेफ रहे। तो जब कंसाइनर कंसाइनी से पैसे रिसीव कर रहा है तो वो एंट्री तो करेगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, एडवांस मनी कंसाइनर से कहीं ना कहीं तो लेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। चलिए अच्छा स्टेप आपने देखा बच्चों, सबसे पहले कंसाइनर ने कंसाइनी को प्रोडक्ट भेजा, उसके बाद जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ हम उसका ट्रीटमेंट किए, फिर कंसाइनी से जो सिक्योरिटी जो एडवांस पैसा रिसीव करते हैं वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। चलिए ये हो गई। बहुत बार ऐसा भी होता है बच्चों कि अगर गुड्स सरप्लस होता है या गुड्स नहीं बिक पाता है तो कंसाइनी कंसाइनर को वापस भी तो करता है बच्चों, वो गुड्स को क्या करता है, वापस सेंड कर देता है कि लीजिए ये गुड्स हम नहीं बेच पाए या ये गुड्स बिका ही नहीं, ये बचा रह गया। तो कंसाइनी रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल रिटर्न करेगा। तो आइए ये एंट्री कर देते हैं। देखिए तो फोर्थ नंबर सिचुएशन, ये भी तो हो सकता है बच्चों, ऑन रिसीविंग द गुड्स रिटर्न्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी जो है वो कंसाइनर को गुड्स रिटर्न कर देता है अगर गुड्स नहीं बिक पाता है। तो बच्चों अगर जैसे एक चीज देखो आप, जब कंसाइनर ने गुड्स भेजा था बच्चों तो एंट्री क्या किया था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पहला वाला एंट्री देखो बच्चों। तो जब गुड्स वापस आएगा हम एंट्री को रिवर्स कर देंगे बच्चों, तो एंट्री हो जाएगा हमारा, एंट्री हो जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अच्छा एंट्री रिवर्स हो गया बच्चों, पहले वाले एंट्री से ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब देखिए बच्चों सबसे पहले रिकॉल कीजिए, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, एंट्री हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर कंसाइनर ने एक्सपेंस इनकर्ड किया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसके बाद कंसाइनी ने कंसाइनर को पेमेंट भेजा एज अ सिक्योरिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों अगर सरप्लस गुड्स होता है तो कंसाइनी वापस भेज देता है कंसाइनर को, ये एंट्री भी हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए बच्चों पांचवें एंट्री को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, आप वीडियो को पॉज कर लिखते रहना ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों हम लोग पांचवा एंट्री करते हैं।
अब क्या होता है बच्चों कि बहुत बार कंसाइनी को भी एक्सपेंस पेयर करना पड़ता है। बच्चों कंसाइनी भी तो एक्सपेंस पे कर रहा होता है, तो ऑन इनकरेंस ऑफ एक्सपेंस बाय कंसाइनी, ऑन इनकरेंस इनकरेंस ऑफ एक्सपेंस एक्सपेंस बाय कंसाइनी। तो एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है बच्चों, और एक्सपेंस के केस में कंसाइनमेंट हमेशा क्या होगा, डेबिट। एंट्री हो जाएगा बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है बच्चों और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। तो ये तो हो गया कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किया। अब बच्चों कंसाइनी को प्रोडक्ट क्यों दिया गया है, सेल करने के लिए, जाहिर सी बात है। तो देखिए, तो कंसाइनी जब प्रोडक्ट को सेल करता है बच्चों, ऑन सेल इन मेड बाय कंसाइनी, बींग सेल मेड बाय कंसाइनी, तो एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट। कंसाइनी ने जो प्रोडक्ट सेल किया बच्चों, देखो एक बात बस समझो, ये जो कंसाइनी है ना बच्चों, ये अब कंसाइनर के लिए डेटा बन गया है, क्योंकि इसने प्रोडक्ट को सेल किया और ये पैसा किसको भेज देगा, कंसाइनर को। इसलिए कंसाइनी को वो डेटर एज अ शो कर रहा है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्योंकि बच्चों कंसाइनर को सेल से मतलब नहीं है, कंसाइनर को कस्टमर से मतलब नहीं है, कंसाइनर को कंसाइनी से मतलब है। इसलिए कंसाइनी ही इसका डेटर बन गया है, क्योंकि कंसाइनी ने जो बेचा अब वो पैसे कंसाइनर को देगा, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब बच्चों कंसाइनी ने इतना मेहनत किया क्यों, उसको कमीशन मिले। अच्छा कंसाइनी इतना काम क्यों कर रहा है बच्चों, ताकि उसको क्या मिले, कमीशन। वो कमीशन के लिए ही ना इतना मेहनत कर रहा है, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं बनता। चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री पर। चलिए तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे ऑन मेकिंग कमीशन, on making commission on making commission due to consign। चलिए एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनी को क्या मिल रहा है, कमीशन। और बच्चों कंसाइनर के लिए तो बच्चों कमीशन एक्सपेंस हो गया ना, तो वो पीएल को डेबिट करेगा, तो यहाँ पर पीएल की जगह क्या है बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट है, तो वो कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। चलिए ये भी हो गया। अब बच्चों सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर कंसाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं ले रहा है बच्चों, तो कमीशन का पेमेंट भी तो चार्ज करेंगे ना। देखो ऑन चार्जिंग बैड डेब्ट्स। अच्छा ये बैड डेब्ट्स हुआ है बच्चों, जाहिर सी बात है बिजनेस तो होगा,
if consignee is not entitled to Dell creditor commission. Dell creditor commission. तो कंसाइनी क्या कह रहा है बच्चों कि ऑन चार्जिंग बैड डेब्ट्स इफ कंसाइनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू डेल क्रेडिटर कमीशन, मतलब जाहिर सी बात है ना बच्चों, जब वो डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं लेगा तो कंसाइनर ही ना रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तो मैंने आपको इंट्रो में ही बताया है। तो उस केस में एंट्री हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी बैड डेब्ट्स होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। चलिए हाँ, अगर बच्चों कंसाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन ले लेता तब तो फिर कोई एंट्री ही नहीं करते ना बच्चों, ये तो आप जानते ही हो, फिर तो अगर कंसाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन ले लेता है बच्चों फिर तो कंसाइनर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो पूरी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है बच्चों, कंसाइनी की। तो उस केस में तो कोई एंट्री ही नहीं होगा, है ना। चलिए आगे चले, अब देखिए बच्चों जब कंसाइनी अपना अकाउंट सेल प्रिपेयर करता है तो वो क्या करता है कि कंसाइनर को सभी पैसे बैलेंस भेज देता है। तो ऑन रिसीविंग द बैलेंस, ऑन रिसीविंग द बैलेंस ड्यू फ्रॉम कंसाइनर, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कंसाइनर से बैलेंस जो है वो रिसीव कर रहे हैं, तो एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके बच्चों, कंसाइनर जो है वो हिसाब किताब कर अकाउंट सेल बनाकर पैसे किसको भेज देगा, कंसाइनर को, कि लो भाई अपने पैसे ले लो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, चलो ये एंट्री तो हो गया बच्चों। अब हमारे पास ये भी तो हो सकता है ना बच्चों कि जो अनसोल्ड स्टॉक होगा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का भी तो आपको एंट्री करना पड़ेगा, जो कंसाइनी के पास बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है, बच्चों जो कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, जो कंसाइनर ने भेजा और वो प्रोडक्ट नहीं बिका, कंसाइनर ने भेजा बच्चों बट वो प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ है, तो उसकी भी तो एंट्री की जाएगी। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट, ये क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हो गया बच्चों। ये क्लोजिंग स्टॉक का हम क्या कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं। चलिए तो यहां तक कुछ आइडिया लगा बच्चों, यहां तक आपको आइडिया लगा। अच्छा सर, अगर कंसाइनमेंट में हमें प्रॉफिट हो गया तो हम एंट्री क्या करेंगे, तो प्रॉफिट के केस में हम एंट्री करते हैं बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री हम कब करते हैं बच्चों, जब हमारे पास प्रॉफिट होता है, और जैसे ही लॉस होगा तो हमारा एंट्री रिवर्स हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट,
टू कंसाइनमेंट, किस केस में, इन द केस ऑफ लॉस। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, पहले एंट्री को एक बार समझ लेना है अच्छे से, एक बार हम अगले क्लास में इसको फिर से रिकॉल कर देंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। चलिए।